कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और मज़े में होंगे। गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ डिनर की तैयारी करके जाऊँगी। मुझे कहीं जाना है तो मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर दिया है, उसमें हींग जीरा डाल दिया है, ग्रीन चिली डाल देंगे। तो मैं ये बना रही हूँ मिक्स सब्जी, गाजर मटर गोभी और आलू की। तो ये गोभी के पत्ते भी थे हरे हरे, तो भी मैंने काट दिए हैं। तो बहुत स्पेशल सब्ज़ी बनती है ये, बहुत टेस्टी बनती है ये। तो इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसमें डाल देंगे हम अपनी ये कटी हुई सब्जियाँ। तो इसमें मैंने नया आलू काटा है, इसमें 2 से 3 आलू मीडियम साइज़ के मैंने कट कर दिए हैं। और थोड़ा सा डाल देंगे नमक और इसको हम अच्छे से सिम आंच पे फ्राई करेंगे। बहुत टेस्टी बनती है ये सब्जी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो जब बन के तैयार होती है बहुत टेस्टी लगती है। और आजकल जो हरी धनिया आ रही है वो भी बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी। मुझे हरी धनिया का फ्लेवर बहुत पसंद है, आप सबको भी पसंद होगा, बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर दी है और ये सब्ज़ी हमारी 40% कुक हो चुकी है। तो चलिए इसको फिर से ढक करके थोड़ी देर के लिए हम पकाएँगे। सिर करके इसको हम ढक देंगे, तो इसको हम 2 मिनट के बाद देखेंगे फिर से। तो ये देखिए 2 मिनट हो गया, लेकिन मैंने अदरक डालना मैं भूल गई थी, तो मैंने बाद में कद्दूकस कर दी है, इसमें ग्रेट कर दिया है थोड़ी सी। तो ये अदरक देसी वाली है तो इसको थोड़ा ही डालेंगे और इस तरह से हम इसको चला लेते हैं। तो सब्ज़ी हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में, बहुत टेस्टी लग रही है। और आलू भी कुक हो गए, क्योंकि आलू पक गए तो समझ लीजिए सारी सब्जियां पक गई हैं। तब इसमें थोड़ा डाल देंगे हरा धनिया, तो हरा धनिया बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कैसी लग रही है, बताइएगा कमेंट करके। तो ये मैं डिनर की तैयारी ही कर रही हूँ, लेकिन क्या होता है लास्ट में तो कुछ और ही हो जाता है, लेकिन चलिए प्रिपरेशन कर ली है। तो ये यहाँ पर आकर बैठे हैं, बच्चों को मेला जाना था, घूमने का मन था, तो फिर ये आकर बैठे हैं। ये तो ऐसे ही बैठ जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इनके लिए कुर्सी हो या गद्दे हो। तो ये गए हैं नीचे गाड़ी के पास, और बच्चे भी तैयार हो गए और मैं भी देखिए तैयार ही हो गई हूँ। तो ये पहना है मैंने कुर्ता और लेगी, और साथ में डाली मेरी जैकेट, तो मैं लूँगी स्टॉल, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, आज के समय बहुत ठंडा हो जाएगा। और ये सुनने अच्छी भी तैयार हो गई है, और ये हमारी कुर्ती भी तैयार हो गई है। कहाँ चलोगी घूमने? तो सब लोग से कह दो चलिए आप लोग को भी घूमने। तो ये है सूर्यांशी का चश्मा, मैं लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लगा लिया है सूर्यांशी का चश्मा, बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए कैसा लग रहा है बताइएगा। ऐसी मस्ती के मूड में थे हम, देख दिख नहीं रहा। तो कैसी लग रही है ये हमारी? तो सूर्यांशी पे ये चश्मा खिलता भी बहुत अच्छा है, और बच्चों को धूप भी नहीं लगती आँख में। तो सूर्यांशी अपने पापा की तरह चश्मा लगाती है। तो चलिए आप सबको भी ले चलते हैं मेला, और मेला करके पास भी है तो इसलिए चले आते हैं, मन नहीं लग रहा था तो चलिए आज घूम के आते हैं मेला। तो चलिए लेट्स गो फॉर मेला। सो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग आ चुके हैं मेले में, और दोपहर का टाइम हो रहा है। तो आते ही इन्होंने ख़रीदा है फटाफट से मिनी समोसे, जो इनको बहुत फेवरेट है और सूर्यांशी को बहुत पसंद है, तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी खा रहे हैं, इस कुर्ती और सूर्यांशी दोनों को खिला रहे हैं। तो मैंने भी एक ले लिया है, अगर मैं लेती नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते कि बाहर के होते हैं, मैदे के साथ साथ डीप फ्राई भी होता है, तो इसलिए मैं नहीं लेती, मुझे दिक्कत हो जाती है। और पूर्ति को दिख गए यहाँ पे झूले, तो झूले देखते ही पूर्ति उसी पर टूट पड़ी हैं, मुझे ये झूला दीजिए, मुझे वो झूला दीजिए। और एक एक झूला 60-60 रुपये का, 80-80 रुपये का है, जो कि नॉर्मल मेले में 20 रुपये 10 रुपये का है। तो ये देखिए मिनी समोसे बन रहे थे, और ये देखिए यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है,
यहाँ पे ये देखिए जो ठेले पे लगाए भैया, ये 100 रुपए का 3 ट्रे था, काफ़ी अच्छा था, बड़ी भी थी, भी मीडियम थी और छोटी थी, तो मुझे तो बहुत पसंद आ रहा था, इन्होंने लेने नहीं दिया। और ये चले गए हैं कॉर्न लेने, अमेरिकन कॉर्न, बहुत स्वीट कॉर्न जिसे बोलते हैं। और मैं बनवा रही हूँ भेलपूड़ी, मुझे भेलपूड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इन्होंने गीला गीला करके बना दिया, तो हम में से किसी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने खा लिया, 20 रुपये की बनाई थी इन्होंने, तो मैंने बनवा ली है। और तो एक तरह मैंने बनवा ली है भेलपूड़ी, और ये देखिए लेकर आ रहे हैं स्वीट कॉर्न। और वाकई इस बार का स्वीट कॉर्न बहुत टेस्टी था, बहुत मीठा था, और नॉर्मल सिर्फ उसमें हल्का सा नमक लगा था, बाकी कुछ नहीं लगवाया था इन्होंने, ना नमक, ना मिर्ची, ना नींबू, लेकिन बहुत टेस्टी था ये। काफ़ी बड़ा भी था, उसमें सूर्यांशी को हाफ दे दिया था और हाफ में से हम लोग ने आधा आधा खाया था, बहुत टेस्टी था। उसमें से पूरी भी खा रही थी, बहुत स्वीट बना था। तो यहाँ पे ये खा रहे हैं गुटका, आप लोग भी आ जाइए, इंजॉय कर लीजिए मेला। भेलपूड़ी है और स्वीट कॉर्न है, बहुत टेस्टी लगते हो, टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है वो। तो ये यहाँ पे देखिए सूर्यांशी को खाने थे गोलगप्पे, तो यहाँ पे सभी लोग गोलगप्पे खा रहे, तो मैंने भी एक दो खा लिए थे। और ये देखिए यहाँ पे कितने सारे खिलौने वाले जो हैं बच्चों के झूले हैं, बहुत अच्छा लग रहा था देख करके, मुझे तो अच्छा लग ही रहा था, साथ में पूर्ति बहुत खुश थी। तो ये लीजिए आप लोग भी गोलगप्पे खा लीजिए, तो मैंने एक दो गोलगप्पे खाए थे। और ये पूर्ति देखिए, पूर्ति को खाना ही नहीं था, पूर्ति सिर्फ खुश थी झूले को देख देख के, ये भी झूलना है, वो भी झूलना है, कह रही थी खूब सारे झूलना है, झूले खूब सारे। ये देखिए कितने सारे झूले हैं, और देख के भी अच्छा लग रहा था और लोग झूलते भी हैं, बट मुझे तो चक्कर आने लगेंगे अगर मैं बैठ गई तो, और उल्टी उल्टी सब शुरू हो जाएंगी, तो जितना खाया है वो भी निकल जाएगा, जो पहले का खाया वो भी निकल जाएगा, और शाम तक भी कुछ नहीं खा पाएंगे। ये सूर्यांशी दिखा रही थी कि लास्ट टाइम ये आई थी कौन कौन से झूले झूली थी। और ये पूर्ति को देखिए कितनी हैप्पी है, ये देखिए, ये देखिए आप अलग रखिएगा, बच्चों की खुशी के लिए आ जाते हैं हम लोग। अरे नहीं, तो यहाँ पे आंटी कह रही थी बच्चों की खुशी के लिए ले लीजिए, बच्चे हैं खेलेंगे, ये भी कम नहीं है, बच्चे लिए तो लेते ही जाते हैं, नहीं बच्चे, लेकिन बच्चे गिरा रहे, पाप लगता है किसी की जान लेना, सही नहीं है। चलो अभी तो सबसे ज्यादा किसी की जान की फिक्र है, बच्चों की खुशी बाद में है, वो भी तो बच्चे हैं, देख रही है, जाग रही है, फिश है फिश। तो फिर हमने नहीं लिया था। और ये देखिए यहाँ पे बर्तन भी मिल रहे हैं, तो 100 रुपीज़ का ये सब, ये काफ़ी कॉस्टली था यहाँ पे, वगैरह वहाँ खेलते हैं, ये इन्होंने लिया है फ्रेंच फ्राइज, बच्चे खा रहे हैं, और ये भी अच्छा बना रहे थे, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश उन्होंने बनाया था, तो इन्होंने ले भी लिया, बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं सभी लोगों को। और ये देखिए नाम लिख रहे थे किरिंग पे, मैं देख रही थी, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देखिए पूरा मेला है, आपको दिखा रहे हो, काफ़ी दूर तक ये मेला फैला हुआ है, कि अगर एक बार में देखना चाहें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आपको आधा दिन लग जाएगा, तभी आप सही से मेला घूम नहीं पाएंगे। इतने सारे तो खिलौने हैं, और इतने सारे ज़रूरत के सामान भी हैं, ऐसा नहीं कि ज़रूरत का सामान नहीं है, और क्रॉकरी और फूलदान और फ्लावर पॉट वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। और ये देखिए यहाँ पर अचार भी है, और आपको बता दें कि यहाँ पे लकड़ी का सामान भी काफ़ी अच्छा था। और ये है कैंडी की शॉप, और ये देखिए सारे खिलौने, और ये देखिए 5-5 रुपये में अब कहाँ कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पे 5-5 रुपये में भी था। और ये था 40 रुपीज़ का, तो ये इन्होंने लिया है पॉप अप, बच्चों ने काफ़ी अच्छा था, तो हम लोगों ने कहा चलो ले लेते हैं, अभी लास्ट टाइम भी ये लोग पॉप अप ले गए थे, तो इस बार भी इन लोगों ने पॉप अप लिया है। और जो सीट देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये बहुत स्लिप कर रही थी, पता नहीं किस चीज़ की थी, शायद पॉलीथीन वाली थी, और जैसे ही पैर रख रहे थे वैसे ही स्लिप कर रहा था पैर इस तरह से, तो समझ संभल के चलना पड़ रहा था। और यहाँ पे ये देखिए सब तरफ जो है क्रॉकरी का सामान मिल रहा है, तो चलिए अब हम लोग मेले से बाहर निकलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हर चीज़ मिल रही थी, और ये पार्किंग में गए हैं गाड़ी लेने, और ये देखिए झूले कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।